छबड़ा क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार को रोजगार की मांग को लेकर छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समाज सेवी नमन कालरा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं का आरोप है कि थर्मल में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं देने से वे रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिन किसानों के थर्मल में जमीन अवाप्त की गई है उन किसान परिवारों के युवक भी बेरोजगार घूम रहे हैं। थर्मल में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों ने थर्मल के अंदर भी घुसने का प्रयास किया, किंतु मौके पर तैनात बड़ी संख्या में पुलिस बल और बॉर्डर होमगार्ड ने उन्हें रोक लिया। रोजगार न देने पर युवाओं ने आत्मदाह की धमकी तक दे डाली, तो वहीं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बेरोजगारी की एक तरीके से झेलनी पड़ रही है महार, तो इसके लिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है और हम ये चीफ साहब से एकत्र होकर ये चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार दें। और जो यहाँ पे कालाबाजारी चल रही है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि 223 रुपए दिए जाते हैं पर कैंडिडेट भत्ता उन्हें, तो उसको यहाँ पर बढ़ा करके ये 500 रुपए करें, क्योंकि इनको आगे से 500 रुपए